hello students today i am going to complete our remaining chapter uh, chapter's name uh, our solar system in geography chapter 1 as you know uh, we have completed our half part of this chapter satellites or moons satellites are a smaller celestial body which revolve around the larger bodies generally the planet as planets move around the sun their satellites accompany them in their evolution satellites may be human-made or natural human-made satellites are sent to space to collect information or celestial body they have launched into the orbit using rocket uh, the moon is a natural satellite of, or, of a planet जूपिटर सेटन यूरनस नैप्टून एंड मार्स हैव मैनी मूनस वाइल्ड मरकरी एंड वीनस हैव नो मूनस एट ऑल द अर्थ हैज़ ओनली वन मून देखिए यह है कि सेटेलाइट्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं नेचुरल भी होते हैं एक हुमन मेड होते हैं सेटेलाइट्स के अंदर ये है कि जो अर्थ है अर्थ हैज़ है ओनली है, है वन मून और जूपिटर सेटन यूरस नैप्टून मार्स हैव मैनी मून्स और सबसे बड़ी बात है कि जो सैटेलाइट्स जो है जो ह्यूमन मेड होता है वो रॉकेट के थ्रू रॉकेट के थ्रू भेजा जाता है और ये कई इंफॉर्मेक् इंफॉर्मेशन जो होती है वो कलेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है मतलब जो हमें जिस कई इंफॉर्मेशन जो हमें जैसे जिनकी ज़रूरत होती है वो कलेक्ट सैटेलाइट करता है तो ये दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं आपको बता दिया गया एक तो हुमेन मेड होता है और एक नेचुरल होता है द अर्थ मून द अर्थ मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई बट हैज़ नो लाइट और इट्स ऑन इट ओनली रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सन द मून इज अबाउट थ्री लेक एटी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ इट कम्प्लीट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन अबाउट ट्वेंटी सेवन डेज ये देखिए जो अर्थ मून जो है ये सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है रात के समय आसमान का बट इसकी ये अपनी लाइट जो है इसकी नहीं होती है ये सन की लाइट से रिफ्लेक्ट करता है और इसकी जो डिस्टेंस है थ्री लेक एटी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड किलोमीटर है अपनी आ, प्लेनेट से ये वन रिवोल्यूशन जो है ट्वेंटी सेवन डेज में कंप्लीट होता है इट टेक्स ऑलमोस्ट द सेम टाइम टू कम्प्लीट ए रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस द मून सरफेस इज़ रॉकी एंड कवर्ड विथ डस्ट इट हैज़ लार्ज होल्स इन इट्स सरफेस कॉल्ड क्रैटर्स क्रैटर्स जो होते हैं जो मून सरफेस पे बड़े बड़े जो हॉल्स होते हैं उसे क्रैटर्स कहा जाता है और जो इस मून सरफेस जो है वो रॉकी और डस्ट uh, से कवर्ड होता है सिंस द मून इज मच क्लोजर टू अस देन द सन इट लुक्स ऑलमोस्ट एज बिग एज द सन समटाइम्स द मून लुक लाइक ए कम्प्लीट ब्राइट सर्कल जो मून है Uh, ज़्यादा क्लोज़र है सन uh, से और ऑलमोस्ट इसका जो लुक है सन की तरह दिखाई जाता है मून लुक्स लाइक ए कम्प्लीट ब्राइट सर्कल विच ऑन अदर ओकेजन्स इट इज़ नॉट विजिबल कई बार तो आपको आपने कभी नोटिस किया हो तो मून हमें कभी कम्प्लीटली बड़ा दिखाई देता है कई बार छोटा कई उससे भी छोटा तो ये फेजेज ऑफ मूनस है ठीक है और द डे वी सी कम्प्लीट सर्कुलर मून इज़ कॉल्ड द फुल मून डेज जिस दिन हमें कम्प्लीट सर्कल देखिए बीच में फेजेज़ ऑफ द मून देख सकते हैं आप इसमें पिक्चर्स में आपने कभी स्काई पे नोटिस किया होगा तो आप अलग अलग जो फेज है मून के आपको नज़र आ सकते हैं तो इसे फुल मून डे कहते हैं आफ्टर द फुल मून डे द साइज़ ऑफ द मून ग्रेजुअली डिक्रीज एवरी डे एंड आफ्टर फिफ्टीन डेज इट डिसपियर दिस इज़ कॉल्ड द न्यू मून डे आफ्टर द जो फुल मून डे के बाद में इसकी जो साइज uh, होती है ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है हर एक दिन में दिस इज कोल्ड न्यू मून डे आफ्टर द न्यू मून डे साइज ऑफ द मून स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड द फुल मून और फिर उसके बाद में साइज़ uh, जो है वो इंक्रीज भी होती है तो फुल मून इट वंस अगेन विजिबल आफ्टर फिफ्टीन डेज तो ये जो फुल मून है आप अगेन आप पंद्रह दिन बाद देख सकते हैं द वेरियस साइज ऑफ द मून विजिबल ऑफ अर्स ड्यूरिंग ए मंथ आर कोल्ड द फेजेज ऑफ मून ये जो एक महीने में आपको जो अलग अलग जो साइज मूनस की दिखती है तो फेजेज ऑफ मून होता है अभी है एस्ट्रॉयड बेल्ट जो एस्ट्रॉयड बेल्ट जो होता है आपने अगर कभी नोटिस किया हो तो एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो है शुद्र ग्रह बेल्ट Asteroids are small rocky bodies that have been left over from the formation of the planets 4.5 billion years ago. Most of them can be found orbiting the Sun in a belt between Mars and Jupiter. This region in our solar system is called the asteroid belt. Uh, says the dwarf planet is the largest asteroid in the asteroid belt.